इधर देखो, मैंने फोटोन से एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ, अगले टॉपिक में चलूँगा। फोटोन की एनर्जी 100 जूल माना, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी वर्क फंक्शन 40 जूल का माना। 40 जूल तीनों केस में वर्क फंक्शन है, अपरूट होने के लिए चला जाता है। ये बिल्कुल सरफेस पे है, इसको बाकी 40 जूल के बाद सारा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। इसमें 10 जूल रास्ते को ट्रैवल करने में लगता है, बाकी 50 जूल काइनेटिक एनर्जी बनता है। इसका 40+20 समाप्त हो जाता है, सरफेस तक आते आते 40 जूल से बाहर आता है, इसे याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए, जब ये वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड और इंटेंसिटी फिक्स्ड, लाइट तो इधर कंटिन्यूसली डल रहा था, यहाँ की पोटेंशियल हमने जीरो रखा। ध्यान से देखो, वहाँ की पोटेंशियल हमने जीरो रखा था, ये लाइट तो कंटिन्यूसली डल रहा था और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली डल रही थी, तो कंपलसरी है कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकल गए थे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो भी रहा हो, वो इस तरफ बढ़ना चालू हो गया, यानी उधर करंट बन रहा था। कब? जब मेरा यहाँ पे वैल्यू कितना था, जीरो पोटेंशियल था, तो करंट मैंने मान लिया यहाँ तक का बन रहा था। हमने इसके हेल्प से यहाँ की वोल्टेज जीरो से बढ़ाया, मान लो 5 वोल्ट किया या 10 वोल्ट किया या 7 वोल्ट किया या 15 किया, इधर बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना पॉजिटिव का। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। वो सारे इलेक्ट्रॉन खींचे गए तो ये करंट बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, फिर वोल्टेज बढ़ाया और बढ़ा। अब ध्यान से देखो इधर, अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट नहीं बढ़ रहा, और वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट नहीं बढ़ रहा, ऐसा करंट बन गया, ऐसी ग्राफ दे रहा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई करंट, यानी इस करंट का तब नाम रख दिया गया सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट। तब साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया कि पॉजिटिव कितने भी कर लो, करंट नहीं बढ़ रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ आ रहा, मतलब फिक्स क्वांटिटी की करंट हो गई, यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो साइंटिस्टों ने वोल्टेज गिराने चालू करे, इधर गिराने से हमारा मतलब है नेगेटिव करना चालू करा, डिक्रीज किया, जीरो पे पहुंचा, जीरो पे पहले जितना करंट बन रहा था उतना करंट बना, और फिर इन्होंने उस वैल्यू को कम करना चालू करा, डिक्रीज करना चालू करा। जब डिक्रीज किया तो इसके मतलब क्या हुआ, इधर नेगेटिव हुआ और इधर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो पहले जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब पॉजिटिव था तब, अब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का इधर आना रुक गया, यानी उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव हो जाएगी, इसी तरफ चलेगा, उधर नहीं जा पाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर रुका, मतलब उल्टा करंट बनना चालू हुआ, यानी करंट डिक्रीज होना चालू हुआ। देखो, नेगेटिव किया, करंट डिक्रीज, और नेगेटिव, करंट डिक्रीज, और नेगेटिव, करंट डिक्रीज, और नेगेटिव, करंट डिक्रीज। एक टाइम ऐसा आया जब करंट बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया, और उस टाइम नेगेटिव की वैल्यू कुछ हुआ, मान लो -20 वोल्ट हुआ, तो दैट माइनस ट्वेंटी वोल्ट इज नोन एज व्हाट, उसका नाम रखता हूँ। देखो यहाँ पे नाम रखता हूँ, वो -20 वोल्ट, पहले ध्यान से देख लो, वो -20 वोल्ट ने क्या करा है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोका है, रोकने का काम किया, स्टॉप करने का काम किया। किसने? पोटेंशियल ने। कौन से स्टॉप? इलेक्ट्रॉन को जाने का स्टॉप किसने? पोटेंशियल ने। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने का काम, इसलिए इसका नाम हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका नाम हो गया कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल इसका नाम हो गया। ये बात समझ में आई?
एक सेट एक्सपेरिमेंट हुआ, गौर से सुनिए। अब दूसरा सेट, एक सेट पूरा हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, अब इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा रहा। अब दूसरा सेट चालू करा, दूसरे सेट में क्या करा, यहाँ 20 वाट वाला ले लिया, लेकिन कलर तो वही है, फिक्स है, यानी फोटोन की एनर्जी वही 100 जूल है। 100 जूल वाला ये सारा काम करेगा, कोई सरफेस से निकलेगा, कोई बीच से निकलेगा, कोई दूसरे सरफेस से जाकर उस सरफेस की तरफ जाएगा, ये काम वही रहेगा। जब यहाँ पे 0 वोल्ट रखा गया तो देखा गया अभी भी करंट बन रहा है, लेकिन पहले से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने इंटेंसिटी क्या कर दिया, पहले से डबल, तो ज़्यादा करंट बनेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये हमने पहले पढ़ लिया। फिर हमने यहाँ पे वोल्टेज प्लस किया और प्लस किया और प्लस किया, यहाँ करंट बढ़ता गया कुछ ऐसे, इधर से वोल्टेज बढ़ाते गए, इधर से करंट बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया जब करंट का बढ़ना रुक गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तब हमने यहाँ से वोल्टेज को माइनस करना चालू करा, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया पिछले केस की तरह, और इलेक्ट्रॉन को रोकना चालू किया। अब इलेक्ट्रॉन का उधर जाना रुक रहा है, इधर ही आ रहा है, यानी करंट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब ये पता चला कि उसकी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं पे आकर रुकती है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता है। हाँ, इसके मीनिंग क्या हुआ, ये पहली इंटेंसिटी की थी, ये दूसरी। इस तरह साइंटिस्टों ने तीसरी इंटेंसिटी डेवलप किया, यानी यहाँ पे 30 वाट कर दिया, 300 फोटोन डालने चालू करे, जब भी देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं आकर रुकता है, तीसरे डाले तब भी, चौथा डाला, इधर तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता था, और इधर देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स जगह पे जाता है। व्हाट डज इट मीन, इसके मीनिंग ये हैं, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने ये वाला बताया था। मैं चाहे 100 फोटोन डालूं इस केस में, चाहे मैं 200 फोटोन डालूं इस केस में, चाहे मैं 30 वाट वाला 300 फोटोन डालूं इस केस में, चाहे ये 40 वाट वाला 400 फोटोन डालूं इस केस में, हर बार तो मैं येलो कलर ही डाल रहा हूं, यानी मैं फ्रिक्वेंसी फिक्स रखता हूं। क्वांटम उसको याद करो, प्लैंक्स क्वांटम, E=hν। अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम रख रहा हूँ तो एनर्जी क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, यानी हर बार 100 जूल वाला ही फोटोन डाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रहा है बराबर का मिल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, एनर्जी नहीं बढ़ता। आया समझ में, एक बात। दूसरी बात, यहाँ से जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, देखो ये 60 जूल वाला जो सरफेस से निकला था, हाईली एनर्जेटिक, तो यहाँ पे कितना नेगेटिव बनेगा, तो इस नेगेटिव का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को रोकना। वो कितना नेगेटिव बनेगा वो इस बात से कन्फर्म होगा कि वो 40 जूल वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने में कामयाब है या 50 जूल वाले को रोकने में कामयाब है, ये पेपर में पूछता है, या 60 जूल वाले को रोकने में कामयाब है। यहाँ आप कितना नेगेटिव वैल्यू बनाएंगे, उतनी नेगेटिव वैल्यू बनाओ जो 40 जूल को रोक ले, या उतनी नेगेटिव वैल्यू बनाओ जो 50 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को रोक ले, या उतनी नेगेटिव वैल्यू बनाओ जो 60 जूल वाले को रोक ले, तो हमारा आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने की नेगेटिव वैल्यू बनाओ, नहीं तो वो उस तरफ चला जाएगा, और अगर उस तरफ गया तो आपका एक्सपेरिमेंट उल्टा कर देगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जो सरफेस से बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी तो फिक्स है, बढ़ नहीं सकता, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन होगा जो सरफेस से निकलेगा, और उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv², देखो ना, 60 जूल वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू का होगा, और इसको रोकने के लिए आपको कितना पोटेंशियल वहाँ पे देना पड़ेगा, तो वहाँ पे देना पड़ेगा चार्ज, देखो यहाँ रोकने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, कितना, Q into V, इतने ही तो वर्क डन होता है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है,
वो वर्क डन कितना होगा, क्यू इंटू वी। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है, जो आप यहाँ से दे रहे हो। दिस बिकम्स ए फॉर्मूला फॉर व्हाट वैल्यू, स्टॉपिंग वैल्यू। यही वैल्यू यहाँ पे निकलेगा और इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी।